Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. I hope everybody is doing well. Alhamdulillah, मैं भी ठीक ठाक हूँ. आज की रेसिपी में मैं आपसे शेयर करूँगी एक डिफरेंट स्टाइल का चिकन जो कि बहुत ही सॉसी होगा और बहुत ही मज़े का होता है. इस चिकन को बेक करेंगे और अब हम इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. यहाँ पे मैं सॉस ले रही हूँ 3 टेबल स्पून. आप लोग टमाटो सॉस ले सकते हैं, पास्ता सॉस भी ले सकते हैं. यहाँ पे मैं होममेड सॉस यूज़ कर रही हूँ 3 टेबल स्पून. टमाटो सॉस ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून मिल्क. टमाटो सॉस की जगह आप केचप नहीं यूज़ कर सकते, बस टमाटो सॉस ही यूज़ करनी है. अब यहाँ पर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल. 1/2 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे. 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे. काली मिर्च ऐड करने के बाद 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे. 1/3 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें पेपरिका पाउडर. 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे मिक्स हर्ब. आप लोग कोई सा भी हर्ब यूज़ कर सकते हैं, पार्सले, कोरिएंडर. लास्टली इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. यहाँ पे 1 होल चिकन लिया है जिसके 12 पीसेस करवा लिए थे. अब उसको मैरिनेट कर देंगे सॉस में. चिकन को सॉस में अच्छे से मिक्स करने के बाद एटलीस्ट 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे इसको, ताकि जो चिकन है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए और उसका फ्लेवर भी बाद में बहुत अच्छा आए. लास्टली इसमें 1/2 लेमन जूस ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्रिज में रख देंगे एटलीस्ट फॉर 3 आवर्स. चिकन के साथ बेक करने के लिए हम यहाँ पे आलू लेंगे. 3 आलू लिए हैं, इनको भी साथ में बेक करेंगे चिकन के. पोटैटो के साथ आप और भी वेजेस को ऐड कर सकते हैं इसमें, लाइक कैरेट, ब्रोकली. आलू को ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे क्योंकि बॉईल करते वक्त ये टूट सकते हैं. आलू को काटने के बाद हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, देन इसे बॉईल करेंगे एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स. यहाँ पे आलू जो हैं वो बॉईल हो रहे हैं और इनको मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे और 10 मिनट से ज़्यादा बॉईल नहीं करना आलूओं को. यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे ली है जिसको ग्रीस कर देंगे ऑयल से. मेक श्योर कीजिएगा जो ट्रे है वो अच्छे से ग्रीस हुई हो. चिकन को मैरिनेट किए हुए 3 से 4 घंटे हो चुके हुए हैं. आप लोग चाहे तो ओवरनाइट भी इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं. अब यहाँ पे हम चिकन को बेक करेंगे अराउंड 40 मिनट्स के लिए. 170 की फ्लेम पे इसे बेक करेंगे. पहले ओवन को प्री हीट कर लेंगे 10 मिनट्स के लिए. बाउल में जो सॉस बच जाएगी उसे वेस्ट नहीं करेंगे, उसे भी चिकन के ऊपर ही लगा देंगे. यहाँ पे चिकन को प्री हीटेड ओवन में बेक कर लेंगे अराउंड 40 मिनट्स के लिए. यहाँ पर चिकन को 15 मिनट्स हो चुके हुए थे बेक होते हुए. फ्राइज़ को 10 मिनट्स बॉईल करने के बाद इसे स्ट्रेन कर लिया था, देन इसे 20 मिनट्स के लिए रख दिया था ताकि फ्राइज़ जो है वो थोड़े ड्राई हो जाएं और ठंडी भी हो जाएं. फ्राइज़ के ऊपर थोड़ा सा ड्रिजल करेंगे ऑयल. 2 टेबल स्पून ऑयल ड्रिजल किया है. सॉल्ट ऐड करेंगे. पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें. देन इसे मिक्स कर लेंगे ताकि जो तीनों चीज़ें हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं फ्राइज़ के साथ. आप लोग चाहें तो इसे उसी वक्त ही बेक कर सकते हैं जब हमने चिकन को रखा था, लेकिन यहाँ पर जो फ्राइज़ हैं वो ऑलरेडी बॉयल्ड थी, इसलिए मैं इसे 25 से 20 मिनट के लिए बेक करूँगी. अगर ये बेक नहीं होगी देन इसे और बेक कर लेंगे. चिकन को हम निकाल लेंगे. चिकन और फ्राइज़ को दोबारा से बेक करेंगे और एटलीस्ट 20 से 25 मिनट देंगे इसे बेक होने के लिए.
और जैसे ही आपको लगे कि चिकन जो है वो नीचे वाली साइड से अच्छे से कुक हो चुका है, तो आप ऊपर वाली फ्लेम को भी ऑन कर देंगे। अपर रोड ऑन करने के बाद इसे एटलीस्ट 5 मिनट के लिए ही बेक करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये ड्राई हो जाएगा। चिकन जो है वो कम्प्लीटली रेडी है, फ्राइज़ को मज़ीद 10 मिनट के लिए बेक कर लेंगे ताकि वो अच्छे से ब्राउन और क्रिस्पी हो जाएं। खुशबू जो है वो बहुत ही अच्छी आ रही थी बेकिंग की, और चिकन जो है वो बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही जूसी था, सॉसी था बहुत, और साथ में जो हमने पोटैटो बेक किए हैं वो उनका फ्लेवर इसके साथ बहुत ही कमाल का आ रहा था। आप लोग भी इस सॉसी चिकन रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपने फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।